नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव और आपके अपने चैनल ब्रजेश सर एलपी में आपका स्वागत है। ये जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में वायु प्रदूषण या फिर विज्ञापन प्रदूषण, मुझे आज ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाया है, इससे तो ये साबित होता है कि केजरीवाल जी को प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है। जनता त्रस्त, केजरीवाल मस्त, अगर ऐसा स्लोगन दिया जाए तो ये शायद ज्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि केजरीवाल जी का सारा फोकस जो है वो अपने विज्ञापन पर है। जितना पैसा वो अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं, जितना समय वो अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं, जितना टाइम वो मीडिया के चैनल पर आकर हर रोज नए विज्ञापन देने में करते हैं, काश अगर केजरीवाल जी ने इतना टाइम एयर पोल्यूशन यानी कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में किया होता तो शायद दिल्ली में आज ये हालात नहीं होते और ना ही सुप्रीम कोर्ट को वायु प्रदूषण के ऊपर सुनवाई करनी पड़ती। जिस देश के न्यायालय में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग में हो, उस देश का सुप्रीम कोर्ट उन मुकदमों को छोड़ करके केजरीवाल जैसी लापरवाह सरकार पर सुनवाई करने में अपना समय बेकार कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए हर रोज नया विज्ञापन। केजरीवाल जी की टीम एक ऐसे टीम की तरह काम कर रही है जैसे मानो वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कोई मीडिया का चैनल है, जिसका काम हर रोज खबरें इकट्ठा करना है और केजरीवाल जी को प्रस्तुत करना है, और केजरीवाल जी का काम हर रोज मीडिया में आकर के अपने नए चेहरे के साथ नया विज्ञापन प्रस्तुत करना है। क्या एक मुख्यमंत्री का काम सिर्फ इतना रह गया है कि नेशनल टीवी पर, नेशनल मीडिया पर आकर के हर रोज नई नई कहानी सुनाए? क्या दिल्ली सरकार जनता के पैसे का उपयोग वायु प्रदूषण से लड़ने में नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, लेकिन अगर बात यही है कि वो वायु प्रदूषण से लड़ेंगे तो विज्ञापन प्रदूषण कौन फैलाएगा? यानी प्रदूषण का मतलब आप समझते हैं, प्रदूषण का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है और वो हमारे लिए हार्मफुल हो, वही प्रदूषण कहलाता है। तो जरा आप देखिए कि क्या विज्ञापन की इतनी ज्यादा आवश्यकता है? क्या वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे को छोड़ करके केजरीवाल जी को विज्ञापन पर काम करना चाहिए? केजरीवाल जी ने सारा का सारा टाइम अपना सिर्फ इस बात में खर्च कर देते हैं कि अगले दिन कौन सा विज्ञापन देना है, कौन से नए चेहरे के साथ आना है और कौन सी नई दलील देकर दिल्ली का गुणगान करना है। अरे केजरीवाल बाबू, जितना पैसा जितना टाइम आप विज्ञापन पर खर्च करते हो, इतना पैसा और इतना टाइम अगर आप एयर पोल्यूशन से लड़ाई में खर्च करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन केजरीवाल जी हैं कि मानते ही नहीं। जिस तरीके से आपके विज्ञापन का स्तर गिरता जा रहा है और हर रोज एक नई खबर की तरह, हर रोज एक मीडिया चैनल की तरह आकर के फोटो खिंचवाना, चेहरा दिखाना, वीडियो बनवाना, इससे तो ये साबित होता है कि वो दिन दूर नहीं जब आप इस तरह के भी विज्ञापन देना शुरू कर देंगे। नमस्कार जी, दिल्ली में कुतिया ने 10 बच्चे को जन्म दिया है जी, सब पिल्ले बड़े मोटे ताजे हैं, दिल्ली देखो कितनी आगे बढ़ रही है जी, ऐसे ही पिल्ले पैदा होते रहे जी। शायद केजरीवाल जी, आपके लिए ये कथन बिल्कुल उचित बैठता है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ हर रोज नई खबर का एक एजेंडा लेकर के अपना चेहरा दिखाना और फोटो खिंचवाना, यही आपके हर रोज की गतिविधि यानी कि दिनचर्या में शामिल हो गया है। ये पैसा जो है ये विकास के लिए है, ये पैसा प्रदूषण से लड़ाई के लिए है, ये पैसा लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। जरा आप बताएंगे कितना पैसा जो आप हर रोज नए विज्ञापन पर, ये पैसा कहाँ से आता है? क्या पैसा दिल्ली के लोगों का नहीं है? क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? जब आप सत्ता में नहीं आए थे तब दिल्ली में कितना प्रदूषण था, और जब आप सत्ता में इतने लंबे समय से हो तब दिल्ली में कितना एयर पोल्यूशन है, क्या आपको नहीं पता है? आपको सब पता है, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ है सिर्फ विज्ञापन करवाने, फोटो खिंचवाने और लोगों को गुमराह करने के सिवाय? आप ही वो ना उस शख्स जो ये कहते थे कि अगर पार्टियां काम करती तो उनको विज्ञापन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरा बताइए कि आप कौन सा इतना बड़ा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको हर रोज टीवी पर आकर के एक एंकर की तरह अपने आप को एक न्यूज चैनल की तरह प्रस्तुत करना पड़ता है? आप ये कहते थे कि दिल्ली की गली मोहल्ले कॉलोनी सब कुछ बैनर से भरा पड़ा है, विज्ञापन से भरा पड़ा है, क्या आप बताएंगे कि उस विज्ञापन की कीमत आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में खबरें देने से, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आकर के एंकर की तरह अपनी वीडियो सर्कुलेट करने से ज्यादा खर्च होता था? तो शायद जवाब होगा कि नहीं, सबसे ज्यादा पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में विज्ञापन देने पर खर्च होता है, ये आपको ही पता है। तो जरा आप बताइए, हर रोज एक नया विज्ञापन जो आप लेकर के आ जाते हो टीवी पर, इसका पैसा कहां से आता है? क्या ये दिल्ली के लोगों का पैसा नहीं है? दरअसल बात यह है कि आप जो कहते हो वो कभी करते ही नहीं हो। आप वही शख्स हो जो अन्ना जी के साथ आंदोलन करते थे और ये कहते थे कि ना जी ना, हमें राजनीति में नहीं आना है जी, राजनीति ये कीचड़ है जी। फिर उसके बाद आपने नया नारा दिया कि अब तो
कीचड़ में घुसकर सफाई करना पड़ेगा जी। फिर आपने ये भी कहा कि आप कभी भी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार बनी आपने सबसे पहले हाथ पार्टी से मिलाया जिसके आप बड़े विरोधी थे। फिर आपने उस पार्टी का साथ छोड़ दिया और ये दिखाने का नाटक किया कि देखो दिल्ली को मैं पूर्ण राज्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन समर्थन की वजह से या फिर गठबंधन की सरकार बनने की वजह से मैं दिल्ली में सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े बड़े फैसले नहीं ले पा रहा हूँ। फिर आपने उस सरकार को भी गिरा दिया और आपको दिल्ली के लोगों ने फुल बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए वोट दिया। और फिर आपने क्या किया, क्या आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया? आपने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को बंगला, बड़े आवास की क्या आवश्यकता है, वो एक छोटे से रूम में रहकर के भी काम कर सकता है। क्या आज आप एक रूम में रहकर के काम कर रहे हो? आपने ये भी कहा था कि चलने के लिए एक छोटी सी गाड़ी काफी है, लेकिन क्या आप आज गाड़ियों के काफिले में नहीं चलते हो? ना जी ना, मैं राम मंदिर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आप उसके बाद जब देखा कि आपने लोग राम मंदिर की तरफ अपना सुझाव दे रहे हैं, राम मंदिर की तरफ लोग अपना आकर्षण दिखा रहे हैं, तब आपने नानी की भी बात छोड़ करके अयोध्या पहुंच गए। तो जरा बताइए, नानी झूठ बोल रही थी या आप झूठ बोल रहे थे? आप वो शख्स हो जो कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, इसीलिए आज दिल्ली वायु प्रदूषण की चपेट में आकर के मर रही है और आप विज्ञापन प्रदूषण फैला करके मौज कर रहे हो। आखिर दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है कि वायु प्रदूषण से लड़ने के बजाय आप विज्ञापन प्रदूषण में मस्त हो? ये भी एक तरह का प्रदूषण है, क्योंकि जिसकी आवश्यकता नहीं हो और जो हार्मफुल हो वो प्रदूषण ही कहलाता है। और आप इतनी अधिक मात्रा में जो विज्ञापन हर रोज मीडिया में सर्कुलेट करते हो वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और जो आप पैसा खर्च करते हो वो एक हार्मफुल है, क्योंकि उस पैसे का अगर आपने इस्तेमाल किया होता तो दिल्ली में सारा जितना प्रदूषण नहीं होता जितना आपने विज्ञापन प्रदूषण फैलाया है। आप विज्ञापन कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि सारा समय एक एंकर की तरह टीवी पर आने के लिए वीडियो बनवाने में आप खर्च कर दें। आप इतना भी मत विज्ञापन में खो जाइए। वायु प्रदूषण से लड़ने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए और आप फिर भी मस्त होकर के नए वीडियो बनवाएं और मीडिया में उन्हें सर्कुलेट करवाएं। यदि आपको लगता है कि फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और एक एंकर की तरह हर रोज टीवी पर आना ही आपका या एक मुख्यमंत्री का काम है, तो आप एक काम कीजिए, आप मुख्यमंत्री का काम छोड़कर किसी न्यूज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आप हर रोज अपना फोटो खिंचवाइए और हर रोज अपनी वीडियो बनवाइए और जनता आपको देखेगी और आपको हर रोज टीवी पर आने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप वायु प्रदूषण से गंभीर मुद्दे पर चुपचाप रह करके, मौन रह करके विज्ञापन प्रदूषण फैलाएंगे, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन प्रदूषण में क्यों, वायु प्रदूषण से लड़ने में क्यों इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है? आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हो जिसे सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप वायु प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाइए, लेकिन आप वो की मानते नहीं, हर बार और हमेशा की तरह राज्यों पर ठिकरा फोड़ करके साइड हो जाना, यही आपका काम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कभी पंजाब को दोषी ठहराओगे, कभी हरियाणा को दोषी ठहराओगे, कभी उत्तर प्रदेश को, ये कौन सी राजनीति? कब तक आप दूसरे राज्यों पर ठिकरा फोड़ करके इस तरह से बचते रहोगे? यदि आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि जो राज्य है वो बाकी जिम्मेदार है और मेरा कोई काम नहीं है, तो फिर आप बताइए आपको मुख्यमंत्री बने रहने का भी क्या अधिकार है? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप इतने लाचार हैं, तो आपको मुख्यमंत्री बने रहने का क्या अधिकार है? ये मैं नहीं, देश और देश के लोग पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के वो लोग जो गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रिजेश सर एलपी।